हीलोफाई हिंदी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारा हर वीडियो देख पाएं। हेलो एवरीवन, हमारे नए यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हीलोफाई हिंदी के आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वो सही समय जिस दौरान आप अगर सेक्स करें तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, यानी कि आपके फर्टाइल डेज कौन से होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आई हैं या अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा आपको पेरेंटिंग या प्रेगनेंसी से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हीलोफाई ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकती हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से डायरेक्टली इस ऐप को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकती हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके जो फर्टाइल डेज हैं वो कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फर्टाइल डेज आखिर होते क्या हैं, यानी कि ये कौन से दिन होते हैं जिनमें अगर आप सेक्स करें तो आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो ये वो दिन है जो जब आपके जो अंडाशय है उससे अंडा रिलीज होता है, यानी कि एग रिलीज होता है, अंडा मुक्त होता है। और अगर इस दौरान आप सेक्स करें और जो स्पर्म है वो अंडे से मिल जाए तो फिर आप कंसीव कर सकती हैं, यानी कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये जो दिन है वो आखिर कब आते हैं। अंडाशय से जब अंडा रिलीज होता है और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ये होती है ओव्यूलेशन की प्रक्रिया। तो आपको बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ये जो ओव्यूलेशन का टाइम है आपके मासिक धर्म चक्र यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, यानी कि एक पीरियड से लेके दूसरे पीरियड तक का जो समय है उस दौरान ये जो ओव्यूलेशन का समय है, ये अंडा रिलीज होने का जो समय है ये आखिर कब होता है। तो जो ये ओव्यूलेशन का समय है ये अधिकतर माना जाता है कि अगर आपकी 28 दिनों की साइकिल है, यानी कि पहले पीरियड्स और दूसरे पीरियड्स के बीच में आपका 28 दिनों का अंतर होता है, तो आपको जो ये साइकिल है इसके बीच में यानी कि करीब 14वें दिन से आपका जो ओव्यूलेशन पीरियड है वो हो सकता है, यानी कि जो आपका पहले पीरियड्स का पहला दिन यानी कि आपके साइकिल का पहला दिन। अब उससे 14वां दिन जो होगा यानी कि 14वीं, अगर मान लीजिए आप किसी महीने की पहली तारीख को आपको पीरियड्स हुआ शुरू हुआ तो उसका जो 14वीं तारीख है वो आपका 14वां दिन हो गया। अब उस 14वें दिन में आपका जो है उसके आसपास ही आपका जो है एग रिलीज होगा। तो अब इसको किस तरह से बहुत ही आसानी से आप जान सकते हैं तो वो ये कि आप मान लीजिए आपके जो पीरियड्स का पहला दिन है और जो दूसरे पीरियड्स यानी कि नेक्स्ट जब आपको पीरियड्स आएगा उसके पहले दिन के बीच में जो ठीक बीच का समय होगा उससे आप 4 दिन पहले और 4 दिन बाद इस पीरियड को मान के चलें, यानी कि ओव्यूलेशन पीरियड को मान के चलें, और इसी के बीच जो है एग भी रिलीज होगा। अब अगर आप प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही हैं तो ठीक इसी समय पर यानी कि ये जो 8-10 दिन हैं इन्हीं दौरान आप सेक्स करें तो आपके जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हर महिला के लिए ये जानना बहुत मुश्किल हो सकता है कि ये जो एग है ये कब रिलीज होगा, इसलिए बेहतर है कि जो ये ओव्यूलेशन का समय है इसके करीब 10 दिनों तक आप सेक्स करें। तो जैसा हमने आपको बताया कि बहुत ही आसान तरीका ये होगा कि दोनों पीरियड्स के ठीक बीच का समय आप देखिए और उससे 4 दिन पहले और 4 दिन बाद आप संबंध बनाएं ताकि जो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं उसके जो चांसेस है प्रेग्नेंट होने के वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। तो इसलिए आप 10 दिन मान के चलिए और उस दौरान आपको संबंध बनाने हैं अपने पार्टनर के साथ जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकें। अगर आप प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही हैं तो ये जो ओव्यूलेशन समय है यानी कि जिस दौरान एग रिलीज होगा, आपको हर दिन सेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक एक दिन छोड़कर सेक्स कर सकती हैं और इसके चांसेस इसमें भी चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे जितने आप रोज़ सेक्स करने से होंगे। आप रोज सेक्स करेंगी तो आप बोर भी हो सकती हैं, इसलिए आप कोशिश करें कि आप एक एक दिन छोड़कर अल्टरनेटिव डेज पर भी सेक्स कर सकती हैं, क्योंकि जो ये अंडा होता है इसकी जो अवधि होती है यानी कि करीब 24 घंटे एक दिन तक ये रह सकता है। तो अगर 24 घंटे में
आपका जो एग है वो स्पर्म से मिल जाए तो आपकी जो प्रेगनेंसी है वो ठहर सकती है, यानी कि गर्भ ठहर सकता है। इसलिए आप एक एक दिन छोड़कर सेक्स कर सकती हैं और इसका रिजल्ट भी उतना ही पॉजिटिव रहेगा जितना अगर आप रोज सेक्स करेंगी ओव्यूलेशन टाइम पर। तो लेडीज़, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि वो कौन से महीने के बेस्ट दिन हैं जिनमें अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाएं तो आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, यानी कि आप कंसीव कर सकती हैं। आई होप कि इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिले और आप अगर प्रेग्नेंट होने का ट्राई कर रही हैं तो जल्दी से आपको गुड न्यूज़ मिले। अगर आपको इससे थोड़ी सी भी मदद मिले तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो पसंद आया तो क्यों आया और अगर पसंद नहीं आया तो क्यों। इसके अलावा आप कमेंट सेक्शन में हमें ये भी लिख के बता सकती हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहती हैं, या अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं यानी कि कोई सवाल हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकती हैं। और जाते जाते अगर आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हेलोफाई हिंदी को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप जरूर देख पाएं। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी को दबा दें।